फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये सिंपल ढोलकी लुक जो है वो शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फेस को प्रेप करेंगे विद सम रोज बटर। इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे जो है ऑब्जर्व कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम यूजिंग डॉक्टर राशिल का वाइटनिंग फेड सीरम। फाउंडेशन के लिए मैं मिस्टर्स की मैट फाउंडेशन यूज करूंगी इन शेड बेसिक्स। आईब्रो जो है वो मैंने फिल कर ली है। अब इनको हम देंगे शेप, यानी कि इनको कंसील करेंगे हम। कंसीलर के लिए मैं फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ, कोई कंसीलर नहीं ही यूज़ कर रही। अगर आपके पास जस्ट फाउंडेशन है तो फाउंडेशन से भी आप इसको कंसील कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके अगर आईब्रो शेप में नहीं है फिल करते वक्त, तो आप इसको शेप में ला सकते हैं। उसके अलावा इसकी शेप काफ़ी ज़्यादा डिफाइन हो जाती है, बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। अब हम अपने आई मेकअप को स्टार्ट करेंगे। तो पैलेट में से जो ऑरेंज सा शेड है इसको लेकर मैं अपने क्रीज लाइन एरिया, टियर डक और सब जगह पे इसको अप्लाई करूँगी। ज़्यादा जो है वो मुझे मेकअप लुक नहीं चाहिए, सिंपल सा जो है वो मैं दो शेड से लेकर अपनी मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी। कज़न की ढोलकी पर जा रही थी तो सोचा जो मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँ ताकि बिगनर्स के लिए ईजी रहे। जो है ये मैंने गोल्डन शेड लेकर अपने टियर डक और लिड पर अप्लाई किया है ताकि थोड़ी ग्लिटरी सी लुक आए और ज़रा ग्लिटरी लुक लगे। अब हम लाइनर जो है उसको अप्लाई करेंगे।
ये है मेरी फाइनल लुक। होपफुली आपको पसंद आई हो कि बालों का जो है अभी मैं कुछ करूँगी, कोई स्टाइल बनाऊँगी बालों का। तो जी होपफुली आपको मेरी आज की मेकअप लुक पसंद आई हो। मेकअप लुक पसंद आई हो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।